चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैनी वन फंक्शन। देखिए मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या होगा, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, अ फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट, मिनिमम क्या हुआ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी, यानी ए के टू और मोर देन टू एलिमेंट की बी में सिंगल इमेज हो तो वो मैनी वन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी वही दो बातें आती हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है ए बी सी डी पी क्यू आर एज सपोज लाइक दिस राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस ए। अब अगर देखें यहां पर तो कोडोमेन रेंज के इक्वल है, बस सिंपल लॉजिक याद रखिए, कोडोमेन रेंज के इक्वल है ऑन टू, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है इन टू। नंबर वन टू एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से जोड़ना है मैनी वन, मैनी वन इन टू मैनी वन ऑन टू, सिंपल सा लॉजिक है, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज तो ऑन टू, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज इन टू, एक एलिमेंट एक से जोड़ना है वन वन, मोर देन वन एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से जोड़ना है मैनी वन, अब कंबाइंड करके नाम देना होता है। अब आपने खुद भी देखा होगा इसको ए बी सी से समझ में, आप साइन एक्स में देखिए, आप बताइए साइन में क्या होता है, साइन जीरो जीरो पाई जीरो टू पाई जीरो थ्री पाई जीरो पाई बाई सिक्स वन बाय टू फाइव पाई बाई सिक्स देन अगेन वन बाय टू मैनी वन। और मैनी वन फंक्शन में जो ग्राफ है y एक्सेस के अबाउट उसकी इमेजेस बनेंगी, कैसे, जैसे अगर मैं मान लो एक फंक्शन लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, मान लो तो हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जीरो पर जीरो बट वन और माइनस वन पर हमें सेम आउटपुट मिलेगा, माइनस टू प्लस टू पर हमें सेम आउटपुट मिलेगा, माइनस थ्री प्लस थ्री पर हमें सेम आउटपुट मिलेगा, यानी y एक्सेस के अबाउट अगर हम देखें तो इमेजेस बन रहे हैं, इसका मतलब ये मैनी वन है और वन वन में इमेजेस नहीं बनेंगी। साइन फंक्शन को भी अभी मैंने आपको बना के बताया था, आपको मैं बिल्कुल हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, मेथड से ग्राफ से और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉजिक से, लॉजिक क्लियर है तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ले लें तो ये दो अलग अलग इनपुट हैं, इनपुट अलग हैं आउटपुट सेम है, इनपुट अलग अलग हैं आउटपुट सेम है। देखो यहाँ पर इनपुट अलग है, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई पर आउटपुट सेम मिल रहा है, यानी एक सीधा लॉजिक है कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट हो तो मैनी वन, मीन्स टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट हैव द सेम इमेज इन बी इज कॉल्ड मैनी वन। मैनी वन का जब भी ग्राफ बनेगा आप देखोगे कि दो अलग अलग इनपुट पर या दो से ज़्यादा अलग अलग इनपुट पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, स्क्वायर फंक्शन इस तरह के कई सारे एक्स पावर फोर फंक्शन, ये सारे फंक्शन ऐसे हैं। पर अगर हम मान लो मैं आपसे बोलूं लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ तो आप देखिए क्या होता, अपने आप ही ऐसा बनता, यानी कोई भी दो इनपुट ऐसे नहीं है जिस पर सेम आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये आगे वन वन होता, पर दो अलग अलग इनपुट पर जब सेम आउटपुट मिले तो इसका मतलब ये मैनी वन होगा। चलिए अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पे, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट की, अब इसमें भी टू टाइप्स होंगी, टाइप नंबर वन सपोज ए और बी ऐसा लिया मैंने ए बी सी डी पी क्यू आर एस लाइक दिस, नंबर वन पॉसिबिलिटी, एंड नंबर टू इज ए एंड बी के लिए ए बी सी डी पी क्यू सपोज आर, ए पी के साथ एसोसिएट है, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ और डी बी आर के साथ। अब ऑन टू में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोडोमेन जो है वो हमेशा रेंज के इक्वल होगी, नंबर वन, यानी बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी। तो यहाँ पर हम समझें कि यहाँ पर वन एलिमेंट के साथ एसोसिएट है तो इसे हम आगे चल के बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और यहाँ पर अगर देखें आप
तो टू डिफरेंट एलिमेंट की सिंगल इमेज है, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, इसका मतलब हम इसे बोलेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में जब भी ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो ये ध्यान रखना है कि को डोमेन और रेंज इक्वल होगी। तो जब आप फंक्शन कोई दिया हुआ होगा आपको, जैसे मैं वाई मान लीजिए फंक्शन दूँ एफ सच डैट रियल टेंस टू रियल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपको इसकी मैपिंग करने के लिए बोलूँ तो देखिए क्या होगा, 0 -1 -2 1 2 3। अब यहाँ पर भी रियल लिखा हुआ है, अगर रियल लिखा है इसका मतलब हम यहाँ पर भी कोडोमेन में ये इसी तरह के कुछ एलिमेंट लेंगे। अब 0 0 के साथ एसोसिएट है, 1 1 के साथ, -1 +1 के साथ, -2 +4 के साथ, +2 +4 के साथ, यानी निगेटिव वाला आउटपुट जो है ये इसकी कोई इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब इसमें कई सारे एलिमेंट हैं जिनके लिए कोई एलिमेंट ए के नहीं है जो एसोसिएट हो रहे हैं, यानी ये हुआ इन टू। अब इसी को अगर मुझे ऑन टू बनाना होता तो मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर सकता था। चेंज क्या कर सकता था कि मैं अगर इसको ऐसा डिफाइन करता रियल टेंस टू 0 to ∞। अब आपसे बोलता कि मैपिंग करिए, फंक्शन सेम रहने देते तो अगर अब आप मैपिंग करते तो क्या होता कि आपके पास यहाँ पर इनपुट सब तरह के हैं। आउटपुट की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 के साथ होगा, -1 1 के साथ, +1 +1 के साथ, -2 4 के साथ, +2 4 के साथ, अगर मैं यहाँ √3 लिख दूँ तो वो 3 के साथ हो जाता, √2 लिखता तो 2 के साथ हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, तो इसे हम ऑन टू बोलेंगे। अब देखिए फंक्शन क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन होती है रियल नंबर, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होती है 0 to ∞। तो जैसे ही मैंने आपको मैपिंग में डोमेन और कोडोमेन इक्वल कर दी तो मैपिंग का टाइप हो गया ऑन टू और सब्जेक्टिव, और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं थी तो इसका टाइप होगा इन टू। तो मैपिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि ऑन टू फंक्शन के लिए या सब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इन टू फंक्शन की। इन टू फंक्शन क्या होता है, अभी हम काफ़ी देर से एक एक बात समझ रहे हैं और वो आपको क्लियर भी हो गई होगी, पर बार बार रिपीटेशन का पर्पस है स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को डेवलप करना, जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं वो करिए। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इन टू फंक्शन की। अब फंक्शन एफ सच डैट ए टेंस टू बी इज एन इन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर इन टू है तो आप हमेशा याद रखिए कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज सबसे टी होगा यहाँ पर। इसका मतलब ए के हर एलिमेंट की इमेज तो होगी पर बी के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी कोई इमेज नहीं होगी, एटलीस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी कोई प्री इमेज ए के साथ नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर हम समझें तो वही सेम दो कंसेप्ट बन सकते हैं, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी यू, ए पी के साथ, ये देखिए। अब अगर मैं समझूं तो इस टी के लिए ए के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन टू हुआ, और एक एलिमेंट एक के साथ है यानी आगे चल के हम इसको नाम देंगे 1 1 इन टू। और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस, लाइक दिस। अब अगेन देखिए टू एलिमेंट सिंगल से जोड़ना है पर एस के लिए ए के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो रहा, यानी अगेन इसको हम बोलेंगे इन टू फंक्शन। तो लॉजिक क्लियर, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इन टू में, ऑन टू में कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, इन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा। अब इसका नाम हम क्या देंगे, मैनी वन इन टू। मैनी वन इन टू मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, इसका हम नाम देंगे 1 1 इन टू, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। इस तरह से आपको आंसर देने होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन से एकदम से क्लियरिटी आ जाएगी कि मैपिंग में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हम आंसर्स को कैसे चेंज करेंगे, और हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके आंसर्स चारों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इसमें 4 पॉसिबल आंसर्स क्या क्या होंगे
नंबर वन अगर हम टाइप्स ऑफ मैपिंग की बात करें तो टाइप ऑफ मैपिंग में हम बात करें तो वन वन इन टू वन वन ऑन टू, मैनी वन इन टू मैनी वन ऑन टू। चलिए अब एक और मैपिंग पे आते हैं, इनवर्स मैपिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको क्वेश्चन देख के अक्सर इनवर्स पूछते हैं, मैं अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे निकालना होगा। इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग की जब हम बात करते हैं तो पहले हम समझ लें क्या होता है। फंक्शन का टाइप वन वन ऑन टू होना जरूरी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन भी लिखी, इफ एफ सच डैट ए टेंस टू बी, बी ए वन वन ऑन टू मीन्स बाइजेक्शन फंक्शन, देन द मैपिंग एफ इनवर्स बी टेंस टू ए। ध्यान रखिएगा, देखिए कितना ए और बी, ए बी के साथ एसोसिएट हो और बी ए के साथ अगर हो तो इसे इनवर्स बोलते हैं, यानी इंटरचेंज देयर रोल्स, अगर रोल इंटरचेंज हो रहे हैं तो इसे हम इनवर्स बोलेंगे। विच एसोसिएट ईच एलिमेंट बी बिलोंग टू बी विथ एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ए इक्वल टू बी इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ सच दैट ए टेंस टू बी। यानी एफ इनवर्स को हम, अगर एफ ए टेंस टू बी है तो इसका इनवर्स हुआ एफ इनवर्स बी टेंस टू ए। अगर हम एक लॉजिक से समझें, सपोज ए बी सी पी क्यू आर, ये इसके साथ एसोसिएट है, ए पी के साथ, बी पी के साथ, सी आर के साथ। सपोज अब ये ए है ये बी है, अब मैं अगर ऐसा बोलूं बी और ए पी क्यू आर ए बी सी, ये इस पे इनवर्स कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अब ए अभी Q के साथ है, अब Q A के साथ एसोसिएट हो जाए, B P के साथ है तो P B के साथ हो जाए, R C के साथ है, लाइक दिस। यानी एक सिंपल सा लॉजिक है, इंटरचेंज देयर रोल देन इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट। यानी अगर आपको कभी इनवर्स मैपिंग के लिए या इनवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी इनवर्स फंक्शन को निकालने से पहले अगर ये दिया हुआ है तो हमें मैपिंग चेक करनी होगी, मैपिंग का वन वन ऑन टू होना नेसेसरी है। बार बार बोल रहा हूँ, वन वन ऑन टू, बाइजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, कोई भी वर्ड हो सकता है। अगर मैपिंग का टाइप वन वन ऑन टू, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरचेंज देयर रोल, यानी ए जो है वो बी, बी जो है वो ए, यानी डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाए। बल्कि अब यहाँ पर क्योंकि ऑन टू है तो ये कोडोमेन और रेंज ही होगा, तो हम रेंज बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। डोमेन और रेंज अगर इंटरचेंज हो जाए, मतलब अगर किसी फंक्शन की, जैसे हम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका ई पावर एक्स, इसकी डोमेन अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, रेंज इज जीरो टू इनफाइनाइट। अगर मैं आपको y इक्वल टू log x बोलूं, y इक्वल टू log x बोलूं, तो इसकी डोमेन होती है जीरो टू इनफाइनाइट, इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो मैपिंग है ये इनवर्स मैपिंग है, यानी ये वन वन ऑन टू का एग्जाम्पल है, दिस इज वन वन ऑन टू। यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, पर अगर यही मैं ऐसा ले लूँ f such that real tends to minus 1 to plus 1 fx equal to, अभी क्वेश्चन भी दूंगा sin x, पर यहाँ पर अगर हम इनवर्स करेंगे तो sin इनवर्स x की रेंज होती है minus 1 से plus 1, तो इनवर्स नहीं मिलेगा। तो sin इनवर्स कब मिलता है वो मैं बताता हूँ, पर इनवर्स के लिए एक बिल्कुल बेसिक लॉजिक आप ध्यान रखिएगा कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, इंटरचेंज देयर रोल, डोमेन कोड रेंज में कन्वर्ट होना चाहिए और रेंज डोमेन में कन्वर्ट होना चाहिए। और इनवर्स पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनवर्स के लिए, तो इनवर्स में बस एक ही चीज़ याद रखना है कि मैपिंग में जो है वो रिवर्स हो जाएगा, डोमेन और रेंज, ये रेंज ही कहलाएगी, कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, इंटरचेंज होंगे, रोल इंटरचेंज होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनवर्स फंक्शन का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी, यानी आप वाई इक्वल टू एक्स लाइन को एज अ मिरर यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कभी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैपिंग वन वन ऑन टू होना चाहिए। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझाता हूँ इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, फिर हम मैपिंग के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा है
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सपोज ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने मैपिंग डिफाइंड नहीं किए। जब तक कि मैपिंग डिफाइंड ना करें क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। मैपिंग डिफाइंड करना मतलब ए और बी के साथ में एसोसिएशन बताऊं। अभी नहीं है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे और है तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले नहीं है की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन हुआ और इसका इनवर्स हुआ x इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी x के फॉर्म में जो फंक्शन बने उसे हम इनवर्स बोलते हैं। अक्सर ये हमें मिलता पहली बार में एफ इनवर्स y है, पर कंफ्यूज करने के लिए वो y के प्लेस पे हम x लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे बताना है तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर मैं x के टर्म में निकालना है तो x को ट्रांसफ़र किया तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ y, मतलब ये हुआ x इक्वल टू y अपॉन वन माइनस y लिख सकते हैं। और x का मतलब हमेशा f इनवर्स y होता है, इट मीन्स कि f इनवर्स y इक्वल टू y अपॉन वन माइनस y। ओरिजिनली हमें ये मिलता है, अब क्योंकि वो पूछने के लिए ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पर y की जगह x लिख दें तो x अपॉन वन माइनस x। मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे ही एफ इनवर्स एक्स लिखा ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने मैपिंग डिफाइंड नहीं की थी तो कोई डिफाइंड नहीं की तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि वन वन ऑन टू मैपिंग होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। सपोज एक और क्वेश्चन समझते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, इसमें भी निकालना है। अब क्या करेंगे, सिंपल एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, एक्स कॉमन लिया वाई माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस वन, बाई चांस सेम बन रहा है एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। देन अगेन इसको हम बोलेंगे सबसे पहले एफ इनवर्स वाई, बाद में हम वाई की जगह एक्स रख दें तो एफ इनवर्स एक्स हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, राइट, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन सेम मिला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, आप एक सेकंड में बोलेंगे वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, और एक्स की जगह वापस रखा तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू रख दी एक्स, वो सॉरी वाई की जगह एक्स रख दिया तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। देखिए आप अभी तक कितने इजीली इनवर्स निकाल पा रहे हैं, पर जैसे ही मैपिंग के साथ मैं डिफाइन करूंगा आप समझ जाओ कि इनवर्स मैपिंग निकालने के लिए हमें फंक्शन का टाइप चेक करना पड़ेगा। अभी जब हम ये मानते हुए निकालते हैं, जब कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते हुए निकालते हैं कि फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और इसलिए हम इसको इस ढंग से लिख पाते हैं। पर मान लो जैसे मैं क्वेश्चन दूं y इक्वल टू, समझिएगा एक और क्वेश्चन समझते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स या y। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड f इनवर्स x, क्या करेंगे आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट ऑफ y, x का मतलब है f इनवर्स y इक्वल टू रूट ऑफ y, तो f इनवर्स x इक्वल टू रूट ऑफ x, इसका मतलब ये निकल गया। पर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता, मान लीजिए, देखिए अब आप समझिएगा, स्मार्ट r टेंस टू r, f सच दैट रियल टेंस टू रियल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड लिखा होता फाइंड f इनवर्स x, तो आप इसको आसानी से रूट एक्स नहीं लिख सकते थे। जैसे ये लिखा आया, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच नंबर वन की मैपिंग चेक करनी पड़ेगी। अब मैपिंग चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, या तो ग्राफ से चेक कर लीजिए, डोमेन रियल है, पूरा एक्स एक्सेस है, रेंज पूरा वाई एक्सेस है, यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो नंबर वन की पहली बेसिक चीज़ समझ में आती है कि ये इसकी रियल रेंज है, राइट, इसके लिए कोई प्री इमेजेस नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो क्लियर हो गया इनटू टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की
देखिए जीरो तो जीरो है, वन माइनस वन पे वन आउटपुट मिल रहा है, टू माइनस टू पे फोर मिल रहा है, यानी टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, यानी ये हो गया मैनी। प्रॉब्लम क्या हुई समझ में आ गया होगा आपको, मैनी वन इंटू अगर ये टाइप है, ये मैनी वन इंटू है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गलती से एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट एक्स लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं इस केस में बात करूं, क्योंकि मैनी वन इंटू है तो इनवर्स नॉट डिफाइंड हम बोलेंगे, इनवर्स हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे, बी केयरफुल। यानी देखिए यहां पर आप ये मान के चल रहे थे कि फंक्शन वन वन ऑन टू है, पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे, और पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिसके हम सारे आंसर दे सकें, और साथ में हम हर फंक्शन का इन्वर्स भी निकालेंगे, उसके ग्राफ का भी कंसेप्ट समझेंगे। आपका लॉजिक 100% क्लियर हो जाएगा, मैपिंग को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनिए, आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे।